नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 दिसंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की अपडेट को देखने वाले हैं। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, कासन मनी 2500 रुपये रिफंड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने DLED भैया कंप्लीट हो चुका है, जैसे 2019 बैच या पुराने बच्चे, तो आप देख सकते हैं जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके देखिए कासन मनी या रिफंडेबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500 रुपये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये पैसा दोस्तों रिफंड किया जाता है। आप देख सकते हैं संस्थान के प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाता है कि DLED 2019 बैच उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की कासन मनी वापसी हेतु संस्थान में आवेदन पत्र के साथ बैंक पासबुक पठनीय हो, जो स्वयं का खाता हो, किसी अन्य का खाता मान्य नहीं होगा, के साथ साथ पासबुक वर्तमान समय की अपडेट होनी चाहिए तथा अपडेट वाला पेज एवं प्रथम पेज संलग्न करें। साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। ये डायट ट्राइब रैली से अपडेट निकल कर आई थी। तो गाइस ये बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों बात करेंगे परीक्षा डेट शीट को लेकर। जी हाँ, आप लोग का जो पेपर है बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है और हमारा पहला पेपर 19 दिसंबर को होगा। पेपर की टाइमिंग जरा ध्यान रखेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, ठीक है। पहले दिन दोस्तों ये पेपर होगा सेकेंड सेमेस्टर में। अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो पहला पेपर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर भी है, फिर 1:30 से 3:30, ठीक है। एक बात याद रखना है कि जो पहले आप लोग को गैप मिलता था जैसे कि गणित के पेपर में, तो ये गणित का पेपर पहले 12 बजे से लेके 1 बजे तक होता था, लेकिन अब जो पेपर की नई टाइमिंग है ना, न्यू टाइमिंग, तो ये हो गई है, कितनी हो गई, 11:30 बजे से लेके 12:30 तक। मतलब साफ है कि जब आप विज्ञान का पेपर देने जाएंगे 10 से 11 बजे तक, उसके बाद आपको बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, तुरंत आपका गणित का पेपर होगा। अब देखिए होता क्या था पहले कि भैया आप लोग का पेपर आउट हो जाता था, वायरल हो जाता था, इस वजह से PNP ने एक अच्छा खासा दिमाग लगाया और ये डेट शीट अब आपके सामने है। बाकी सामाजिक अध्ययन को लेकर कुछ अपडेट आएगी, हिंदी अंग्रेजी विषय को लेकर, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर हम चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट की बात कर लें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे, ठीक है। तो परीक्षा डेट शीट की अपडेट ये हो गई। अगर हम बात करें सीटेट ऑफिशियल अपडेट के बारे में, तो सीटेट की भी जो अपडेट आएगी एडमिट कार्ड को लेकर, वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है जहाँ से आप लोग सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे लिंक एक्टिवेट होता है। तो एक और कुछ अलग खबर यहाँ पर देखने को मिली कि दो महिलाओं का एक पति, दोनों ने बांटे 3-3 दिन, 1 दिन वीकली ऑफ, झारखंड पुलिस ने कराया समझौता। अब देख सकते हैं भैया हर जगह से अलग अलग अपडेट देखने को मिलती है, तो पेपर में पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग अपडेट भी आप लोग देखा करिए कि क्या क्या हो रहा है देश में, ठीक है। बाकी देखते हैं आप लोग का 2500 रुपये मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए एक और अपडेट, क्या क्या केंद्र सरकार बंद करने जा रही है NPS, पूरे देश में बहाल होगी पुरानी पेंशन स्कीम, PIB ने कही यह बात। इस अपडेट को भी यहाँ पर हम कवर करते रहेंगे। अपडेट आई है जयपुर से, अगले साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसी बीच अटकलें तेज हो गई कि केंद्र सरकार नई पेंशन योजना NPS खत्म करने जा रही है। सरकार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम OPS लागू करने का विचार कर रही है। केंद्र सरकार का यह फैसला राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में लागू पुरानी पेंशन योजना के बीच लिया, ठीक है, गया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत फायदा मिल रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है कि केंद्र अपने कर्मचारियों को भी क्या OPS का लाभ देगी, ठीक है। तो हर अपडेट पर आप लोग की नज़र होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, दरअसल सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि मोदी सरकार अगले साल मार्च 2023 से सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाने का फैसला कर रही है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार की नई पेंशन योजना से कर्मचारी नाराज चल रहे हैं, ऐसे में केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, ठीक है। इसकी भी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। PIB ने खबरों का किया खंडन, तो सरकार से जुड़े आधिकारिक एजेंसी ने कहा कि इस वायरल खबर में कोई दम नहीं है, इसमें सब कुछ फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल खबर पूरी तरह से भ्रामक है। केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना OPS लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यह पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है, ठीक है। इस पर भी आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में OPS लागू,
ठीक है, तो इस अपडेट को भी जरा देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च 2022 में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। इस स्कीम के तहत करीब 7 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलने लगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी अप्रैल से ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना को पूरे देश में लागू करने की वकालत कर चुके हैं। योजना लागू करने के बाद गहलोत ने कहा था कि आज ना कल पूरे देश में इस योजना को लागू करना होगा। देखिए गाइस, ये बड़ी बड़ी खबरें आप लोगों तक होनी चाहिए कि क्या क्या चल रहा है देश भर में। एक और अपडेट निकल कर आती है कि बच्चों में मारपीट, कक्षा 2 के छात्र की मौत। फिरोजाबाद से अपडेट आई थी कि सिकोहाबाद में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गए कक्षा 2 के छात्र सीमा पूर्व सोम सात वर्ष मतलब पुत्र वीरेंद्र सिंह की सहपाठियों से मारपीट हो गई। इससे उसके सिर में चोट लग गई। अस्पताल के पास ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद अपडेट आती है पेट को लेकर। पीटीए अभ्यर्थी 100 रुपए शुल्क देकर प्रश्न पत्र दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। अपडेट लखनऊ से। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 की उम्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थी 22 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेट की एक मास्टर उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है। तो हर एक अपडेट की जानकारी इसलिए कहते हैं आप तक होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, DLED 1.41 लाख देंगे सेमेस्टर परीक्षा। ये अपडेट है प्रयागराज से। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने DLED BTC के विभिन्न सत्रों की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 19 से लेकर 21 दिसंबर तक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 97,311 प्रशिक्षु पंजीकृत हैं, जबकि 22 से लेकर 24 दिसंबर तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 44,190 बच्चे शामिल होंगे। द्वितीय सेमेस्टर के लिए 19 दिसंबर को 10 से 12 बजे तक वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जबकि ठीक है 1:30 से 3:30 बजे तक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पेपर होगा। 20 दिसंबर को 10 से 11 ये सब मतलब पेपर की डेट शीट की बात कही जा रही है। देखिए, कॉशन मनी 2500 रुपये रिफंड होने की बात है, तो होना तो प्राइवेट कॉलेज में भी चाहिए था, लेकिन ना उनसे कोई मांगता है ना ही वह करते हैं। तो बात कर लीजिएगा, आपके कॉलेज में मिल जाए तो बढ़िया है। बाकी देखिए, DLED स्कूटनी रिजल्ट की क्या अपडेट है। सभी बच्चों के मन में एक और सवाल आता है स्कूटनी रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्त, ये अपडेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं कि भैया स्कूटनी का हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित हो जाए। बाकी फेल छात्रों के लिए जो भी खबर आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। देखिए, स्कूटनी का रिजल्ट जरूरी इसलिए है ना, काफ़ी ऐसे बच्चे जिनकी सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग गई है, ठीक है। और हुआ क्या कि 3 बार बच्चे फेल हो गए तो उनका नाम एग्जामिनेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा गया। अगर वो स्कूटनी में पास हो जाते हैं तो हो सकता है कि एक मौका मिल जाए फोर्थ सेमेस्टर पेपर देने का, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम खत्म होते जा रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है, ये बात आप लोग जानते हैं। और पहला पेपर हमारा 19 दिसंबर को होगा, मतलब पेपर के लिए भी टाइमिंग बिल्कुल कम होती जा रही है। इसको भी जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पेपर के लिए टाइमिंग क्या हो रही है, हमारी कम होती जा रही है। 19 दिसंबर को पहला पेपर होगा, तो गाइस तैयारी में लग जाइए, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि आप एक अच्छा स्कोर इस बार पेपर में करेंगे, ठीक है। स्पेशली सब्जेक्ट जरा ध्यान देने वाली जो बात होगी मैथ्स में और इंग्लिश, इन दो सब्जेक्ट को गाइस आप लोग अच्छे से पढ़कर जाएंगे। नहीं आता कोचिंग ट्यूशन जो भी लेना हो ले लीजिए। हमने वैसे मैथ्स की अच्छी खासी वीडियोस यूट्यूब पर डाल रखी है, अगर आप देखते हैं तो बढ़िया है, नहीं देखें तो हम यही कहेंगे कि भैया अगर आपके यहाँ कोई कोचिंग ट्यूशन कुछ भी दे दें तो पढ़ लीजिए, बढ़िया स्कोर करना है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और रिजल्ट के लिए आपको वेबसाइट पता है सिर्फ DLEDResult.com।